अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको वन स्ट्रोक डिज़ाइन बताऊंगी जो कि आप सूट पे डाल सकते हैं। बहुत ही प्यारे से डिज़ाइन है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने सबसे पहले 5 नंबर का फ्लैट ब्रश लिया हुआ है और मैं इसी से डिज़ाइन बनाऊँगी। सारी डिज़ाइन मैं इसी से बनाऊँगी। तो ये देखिए, पहले बिना कोटिंग किए मैं आपको बना के दिखाऊँगी, उसके बाद फिर आपको कोटिंग करके दिखाऊँगी। देखिए, कोटिंग करने मतलब बिना कोटिंग किए बनाने पर क्या होता है, इस तरह से जब हम बनाते हैं तो हमारा कपड़ा जो है कलर में छिप जाता है, यानी कि जो कपड़ा है उसे अपने अंदर खींच लेता है, सोख लेता है वो। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, एक बार मैं रेड कलर पहले लगा रही हूँ, अब इसके बाद उसके ऊपर गोल्डन येलो लगाऊंगी। पहले इसे लगा लूँ। सारी पंखुड़ी हमने गुलाई का सेप दे लिया है, फ्लावर का जो सेप रहेगा उसको हम दे लेंगे पहले। अब यहाँ से देखिए, लेमन येलो ले रही हूँ और थोड़ा थोड़ा वाइट भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि वाइट कलर लगाने से थोड़ा हमारा कलर जो है उठ के थोड़ा दिखता है, तो इसलिए मैं वाइट ज़्यादा कलर के साथ साथ कुछ वाइट भी मिक्स करके लगा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, और 3 कलर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, रेड कलर, गोल्डन येलो एंड वाइट, तीनों शेड का मैं यूज़ कर रही हूँ। लेकिन गोल्डन येलो थोड़ा ज़्यादा लेना है हमें, क्योंकि हमें गोल्डन येलो का शेड दिखाना था इसमें, तो मैं गोल्डन येलो थोड़ा ज़्यादा लूँगी। वाइट थोड़ा थोड़ा मिक्स करके लगाऊंगी कि जो गोल्डन येलो है वो थोड़ा लाइट होकर दिखे। तो अगर आपका कलर लाइट हो जाए तो आप उस पर दोबारा से इस तरह से स्ट्रोक लगा दें ताकि आपका कलर जो है उठ के दिखने लगे। तो ज़्यादा डार्क कपड़े पे यही होता है, हमारा कलर जो है उठ के दिखता नहीं है, तो बहुत कन्फ्यूज़न होती है क्या करें, कैसे बनाएँ, बहुत परेशानी भी हो जाती है। तो इसके लिए मैं अभी आपको इसका भी हल बताऊंगी किस तरह से बनाना है। ये देखिए, पहले इस तरह से जो है ये हमारा हो गया। अब एक पंखुड़ी और इसमें डालेंगे, क्योंकि पंखुड़ी कम थी हमारी, छिलछिला फ्लावर दिख रहा था थोड़ा। रेड कलर यूज़ करना है, उसके बाद वाइट लगा लीजिए, उसके ऊपर से जो कलर आपको शर्ट देना है उसको लगा लीजिए, तो आपका शर्ट दिखने लगेगा। ये देखिए, इस तरह से फ्लावर हमारा जो है रेडी हो चुका है। बीच में हम डालेंगे ये इस तरह का पार्ट, बीच वाला पार्ट हमें इसी तरह से बनाने हैं फ्रेंड्स। ये हो गया हमारे फ्लावर के बीच वाला पार्ट। तो अब हम आपको दूसरा फ्लावर बनाना बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाइट कलर हम यहाँ पे कोटिंग करेंगे, पहले सारे फ्लावर का सेप देते हुए कोटिंग कर लेंगे, उसके बाद उस पर से कलर लगाएंगे। और इसमें भी मैं आपको फ़र्क बताऊँगी। तो यहाँ देखिए, पहले हम सर्कल बना लेते हैं, फिर इसके बाद जो हमारी पंखुड़ियाँ रहेगी उसका हम सेप दे देंगे। और अगर आप तुरंत इस पर कलर करोगे तो भी आपका कलर जो है कपड़े में चला जाएगा, दिखेगा नहीं। देखिए, वाइट कलर में लगा रही तो थोड़ा ज़्यादा डार्क दिख रहा है, जब मैं उसको लगाने के बाद दूसरा ट्राई करने जा रही हूँ तो हमारा जो कलर है वो कपड़े में छिप जा रहा है, यानी कि कपड़ा दिख रहा है। तो इस तरह से हम लगाएँगे तो हमारा ऐसे ही रहेगा, और उसके बाद जब हम इस पर इसको थोड़ा सा सूखने के बाद करेंगे तो हमारा कलर उठ के दिखेगा। तो मैं, हमारा कलर सूखा नहीं है, मैं उस पर ही कर रही हूँ, करके दिखाऊँगी अभी आपको, तो भी हमारा कलर जो है लाइट ही दिखता है, उस पर जो है शर्ट जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आता है। तो इसको थोड़ा सा हार्ड कर लें, जब ये सूखने के दम पे आए, मतलब सूखने के ऊपर चला जाए, जैसे कि अब एकदम सूख जाएगा, थिक हो जाएगा, हाथ में नहीं लगेगा, ऐसा होने लगे, तो आपको क्या करना है, उस पर दूसरा कलर लगाना है। लेकिन जब मैं लगाने जा रही हूँ तो ये पूरी तरह से सूखा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जा रहा है और उतना टाइम नहीं लगा बनाने में, इसके लिए ये अच्छे से सूख नहीं पाया अभी। बहुत कम टाइम में मैं इसे बनाई हूँ। ये देखिए, इस तरह से सारे पंखुड़ी मैं इसकी भी बना लेती हूँ। आपको दिखाती हूँ, मैं पहले इसको बना लूँ उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें हमारी हर डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो शेड है उसको हम क्या करेंगे, हमने वाइट कलर को जो है कोटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम लगाएँगे, पहले रेड शेड में डालूँगी
एक तरफ मैंने रेड लिया है और एक तरफ लेमन येलो गोल्डन येलो लिया है, और इस तरह से मैं इस पर शेड डाल रही हूँ। सॉरी इधर का आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अभी आपको पूरा दिखेगा। अभी आपको फ्लावर भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन बनने के बाद बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है, अच्छी सी। तो आप पूरी ज़रूर देखिए डिज़ाइन को। देखिए इस तरह से हम शर्ट को डालेंगे। पहले तो सबसे जो छोटी छोटी हमने पंखुड़ी बनाई है उसको बनाएंगे, क्योंकि पीछे से वो छोटी पंखुड़ी बनी थी, पहले हमारी बड़ी पंखुड़ी बनी थी, लेकिन पेंटिंग करने के टाइम जो है बड़ी पंखुड़ी जो है हम बाद में करेंगे, और जो छोटी पंखुड़ी हमने बाद में बनाई थी उसको पहले करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं शर्ट कलर रेड कलर का शर्ट डाल रही हूँ, और इसके ऊपर से वाइट कलर का जो है किनारे वाला से बनाऊंगी। देखिए एक बार लेमन येलो लेके लगा रही हूँ पूरी पंखुड़ी में, फिर उसके बाद वाइट शर्ट लगा रही हूँ ताकि जो है लेमन येलो उठ के दिखे। सेम वही शर्ट है जो हमने पहले बनाया था, इसमें भी वैसे ही शर्ट है। लेकिन उसमें आप कलर देख रहे हैं कि बीच में जो है कलर हमारा छिप गया है, कपड़ा जो है अंदर से दिख रहा है डार्क डार्क सा शेड, तो इसमें वैसा नहीं है, इसमें थोड़ा अलग है। देखिए कोटिंग करने के बाद हमारा ऐसा रहेगा, और बिना कोटिंग के करेंगे तो जो मैंने पहले फ्लावर बनाया है वैसा रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो है एक एक पंखुड़ी हमने तैयार कर ली। और अगर कलर ख़त्म हो जाता है, देखिए मैं किस तरह से कलर ले रही हूँ, कैप को बंद करके बॉटल को हिला दे रही हूँ। उसको बॉटल हिलाने के बाद जो है उसको कलर मिक्स करने के बाद कलर कैप में कलर अपने आप आ जाता है अच्छे से, जितना हमें चाहिए होता करने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद ख़त्म होता है तो फिर मैं ऐसे करके कैप में कलर ले लेती हूँ ऐसे ही बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाला पंखुड़ी वाला पार्ट जो हमारा बन गया है। अब हम ये बीच का ऊपर का शेड मैं बना रही हूँ, और इस तरह से इसको बनाएंगे। देखिए कॉर्नर पे कलर लेना है और टैप टैप करके डॉट डॉट करके उसको अच्छे से फील करना है। किनारे से सर्कल का जो शेप रहेगा उसको हम उसी तरह से इसमें ये वाइट शेड का डालेंगे। देखिए ये हमारा जो पंखुड़ी थी हमारी ये काफ़ी लाइट सी हो गई है, तो इसमें हम एक बार फिर से कलर लगाएंगे ताकि ये अच्छी दिखे। यहाँ पे दो फ्लावर हमारे हो चुके हैं फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे तीसरा फ्लावर। और तीसरा फ्लावर मैं पिंक और जो है रेड और वाइट से बनाऊंगी, जो कि पिंक शेड में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप कोटिंग करने के तुरंत बाद पेंट करेंगे तो आपका कलर जो है लाइट हो जाएगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो कोटिंग करने के थोड़े टाइम बाद जब वो हार्ड हो जाए, थोड़ा पूरी तरह से ना सूखे, थोड़ा हार्ड हो जाए, तब उस पर से कलर लगा के आप जैसा पेंट करना चाहते हैं वैसा करिएगा, तो इंशाल्लाह आपका शर्ट जो है अच्छा आएगा। ये देखिए इस तरह से। तो सबसे पहले हम पीछे वाली जो पंखुड़ी रहेगी पहले उन्हें ही बनाएंगे, ताकि हमें जो सामने वाली पंखुड़ी है उन्हें बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो और हमारे कलर में भी जो हमारी हम कलर लगाएंगे, जो किनारे के जो पंखुड़ी के किनारे वाला पार्ट होगा उसमें भी फिनिशिंग आएगी इस तरह से करने पे। तो देखिए दोनों कॉर्नर पे मैं कलर ले रही हूँ, एक कॉर्नर पे रेड और एक दूसरे कॉर्नर पे वाइट, तो उसी से मैं जो है शेड बना रही हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे लगभग लगभग फ्लावर पूरे हो चुके हैं, और यहाँ से इसी तरह से हमें फ्लावर बनाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आपको लीव करना बताएँगे। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और भी अगर आप किसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आपको कैसे डिज़ाइन और कैसे फ्लावर्स अच्छे लगते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँ कि आपको बना के दिखाऊं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉर्नर पे हमने वाइट लिया हुआ है, दूसरे कॉर्नर पे लेमन येलो लिया हुआ है, और इस तरह से कुछ करके हमने सर्कल बनाया,
और बीच में इसमें थोड़ा सा डार्क शेड भी डाल सकते हैं, ब्राउन भी डाल सकते हैं, आप मन कहे रेड भी डाल दें। यहाँ पे सोना सोना सा लग रहा है बीच में, तो उसमें कुछ अपने हिसाब से शेड डाल सकते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ लीफ बनाना। तो पहले देखिए लीफ की हम जो है कोटिंग करेंगे, जैसा हमें लीफ बनानी है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं की हूँ, बिना ड्रॉ किए ही डिज़ाइन बना रही हूँ। तो जहाँ तहाँ जैसे तैसे मैं इसको कर रही हूँ। अगर आपको बनाना है तो आप जो है ड्राइंग कर लीजिए, उसके बाद जो है उसकी पेंटिंग कीजिए। और यहाँ पे देखिए इस तरह भी हमने छोटे छोटे लीफ जो है तैयार किए हैं, उसको पहले इस तरह से करेंगे और उसको भरेंगे, उसके बाद उसमें कलर जो डालना है उसको डालेंगे। यहाँ पे देखिए लीफ जो है हमें कुछ इस तरह से बनानी है। कॉर्नर पे कलर लेंगे तो आपकी जो डिज़ाइन है उसमें फिनिशिंग आएगी, आपकी जो पेंटिंग है उसमें काफ़ी अच्छा सा वो बनेगा, जैसा आप बनाना चाहते हैं उसमें सुधार आएगा। तो इस तरह से बनाइए आप। देखिए एक कॉर्नर पे हमने ग्रीन लिया हुआ था, एक कॉर्नर पे वाइट लिया हुआ था, और दोनों ही शेड में लेके तब जाके उसको जो है लीफ कर रही हूँ। पहले एक बार कोटिंग करने कर लेंगे, नहीं तो जो हमारा ग्रीन शेड है वो तो बिल्कुल ही नहीं दिखता है, कपड़े में चला जा रहा है। अगर मोटा कपड़ा है तो शायद से दिखे, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। लेकिन आप जो है जब भी बनाओ, पहले जो आपका कपड़ा है उस पर पहले ट्राई करो, कलर हमारा रुकता है, उठ के दिखता है कि नहीं दिखता है, उसके बाद ही अपने कपड़े पे बनाओ, क्योंकि ये ज़रूरी है। नहीं तो फिर आप मेहनत करके आपका कपड़ा भी बेकार हो जाएगा और आपका जो है मेहनत भी बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अगर आपको डिज़ाइन कटिंग वाली लीफ नहीं आती है तो इस तरह से आप सिंपल वाली लीफ भी बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे दो लीफ बनाई है और इस तरह से आप छोटे छोटे डिज़ाइन जो है अच्छे से तैयार कर सकते हैं। दोनों कॉर्नर पे हमने दोनों ही कलर लोड किया हुआ है, एक वाइट एक साइड ग्रीन, दोनों ही कलर कॉर्नर पर ले लेके हम जो है लीफ की जो है बनाएंगे पेंटिंग। इस तरह से एक एक लीफ करके इसमें हम ज्वाइन कर देंगे और हमारी डिज़ाइन तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप सब लाइक नहीं करते फ्रेंड्स, मेरा दिल बहुत टूट जाता है, आप सब लाइक नहीं करते हैं और हमारी वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं। आजकल हमें लाइक नहीं मिल रहे हैं, हमारे वीडियोज भी व्यू नहीं आ रहे हैं, आप सब देखते नहीं हैं या फिर देख के इग्नोर करते हैं, क्या है पता नहीं। तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो इसी तरह से जहाँ पे हमें लगेगा कि यहाँ लीफ डालनी चाहिए, यहाँ पे डंटल डालनी चाहिए, उसी तरह से हम लीफ और डंटल दोनों एक दूसरे में बना देंगे। देखिए फ्लावर से अटैच करके, यानी कि उससे मिला मिला के फ्लावर से लीफ वगैरह जो है बना सकते हैं। और मैंने इसमें डिज़ाइन ड्रॉ नहीं किए, इसलिए जहाँ तहाँ आपको लग रहा होगा कि मैं कैसे कैसे बना रही हूँ, लेकिन अगर ये डिज़ाइन ड्रॉ रहती तो आपको काफ़ी अच्छी लगती डिज़ाइन देखने में और पेंटिंग भी करने में। इंशाल्लाह कुछ लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से करना है, और कुछ लोग हैं तो जिनको समझ में नहीं आता किस तरह से करना है, कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे लगभग जो है हमारी लीफ पूरी हो चुकी है। अब हम बनाएंगे नीचे की दो तीन लीफ जो हमें जोड़नी है उसको बनाएंगे, उसके बाद हमारी डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लीफ कितनी प्यारी सी और खूबसूरत सी बन रही है। देखिए लीफ जो है हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम बनाएंगे डंटल। इधर भी हम जो है सैप ग्रीन की लीफ जो है उसको जोड़ेंगे, तीन लीफ। ये देखिए बहुत ही सिंपल और इजी लीफ मैं आपको बता रही हूँ, आप
यूं मिनटों में बना लेंगे, बहुत प्यारी सी लीफ है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आप सब ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं और हमारी वीडियो को भी शेयर नहीं करते हैं। तो अगर आपको वीडियोस नहीं देखनी है तो फ्रेंड्स बता दीजिए, मैं मेहनत नहीं करूँगी, बनाऊँगी नई वीडियो। अब मैं सोचती हूँ कि आप लोग देखते हैं उससे सीखते हैं, इसके लिए मैं वीडियो भी बना देती हूँ। तो अगर आपको नहीं देखना है तो भी बता दीजिएगा, मैं आगे से वीडियोज़ नहीं बनाऊँगी। और अगर देखते हैं तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये देखिए, हमने इसमें जो है कुछ कुछ लीफ जो है इस तरफ से ज्वाइन कर दी है। अब इसमें हम दोनों तरफ रेड एंड वाइट का फ्लावर जो है उसको थोड़ा थोड़ा ज्वाइन करेंगे गली के हिसाब से, तो आप वो भी देख लीजिए। और इस तरह से फ्रेंड्स अगर आप बनाते हैं, आपकी पेंटिंग जो है सूखने के बाद एक बार और स्ट्रोक लगा देंगे तो आपकी पेंटिंग और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी, उसमें जान आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बस इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और डालनी बाकी है, हम डालेंगे यहाँ पे रेड कलर का वाइट कलर का फ्लावर छोटा छोटा कली के हिसाब से कि हमारा फ्लावर खिलने वाला है। और फ्लावर के साथ कली लगती है तो वो और भी अच्छी लगती है। तो डिज़ाइन में ज़रूर कली वगैरह जो है ऐड करके बनाएं, इंशाल्लाह आप भी अच्छी सी पेंटिंग बना पाएंगे और ड्राइंग बना पाएंगे और पेंटिंग भी कर पाएंगे। तो अगर फ्रेंड्स आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं, हमने वीडियो में नंबर दे रखा है, उस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और फ्रेंड्स कैसे लगी आपको डिज़ाइन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर आएंगे हम फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।